हेलो गाइज, वेलकम बैक आप सबका आज की इस नई वीडियो में। और आज की इस नई वीडियो में हम जो है रियलमी जी टी नियो 2 के लिए जी कैम यानी गूगल कैमरा 8.4 को इंस्टॉल करने वाले हैं हमारे रियलमी जी टी नियो में। और साथ ही ये गूगल कैमरा आप जो है रियलमी UI 3.0 में यूज़ कर सकते हैं आपके किसी भी फ़ोन में। तो मेरे पास जो है रियलमी का जी टी नियो 2 है और इसमें मैंने जो है इसको इंस्टॉल किया है, जिसमें काफ़ी बढ़िया फ़ोटोज़ देखने को मिल जाती है। और हम यहाँ पे इसको जो है क्यों यूज़ कर रहे हैं, तो उसका रीज़न ये है कि हमारे फ़ोन में जो अभी बीटा अपडेट आई है, बीटा अपडेट की वजह से हमारे फ़ोन के जो स्टॉक कैमरे हैं वैसे आउटपुट नहीं दे रहे हैं जैसे यहाँ पे देना चाहिए। इसलिए हम यहाँ पे जो है इसको फिक्स करने के लिए इसमें गूगल कैमरा यूज़ कर रहे हैं। तो मेरे पास जो है आप देख सकते हो जी कैम देखने को मिल रहा है आपको स्टॉक कैमरे के बगल में। और यहाँ पे मैं आपको लेके चलता हूँ इसके अबाउट में। और यहाँ पे इसका जो वर्जन है वो आप देख सकते हो 8.4 आपको देखने को मिल जाता है। तो चलिए फटाफट हम जो है इस कैमरे को ओपन कर लेते हैं। साथ ही यहाँ पे आपको कुछ सेटिंग्स बताने वाला हूँ जिसके ज़रिए आप जो है काफ़ी अच्छी फ़ोटोज़ आपके फ़ोन में क्लिक कर सकते हैं। इवन यहाँ पे जो है ये स्टॉक कैमरे को भी कभी कभार जो है बीट कर जाता है कुछ कंडीशन में। तो मैं लेके चलता हूँ आपको इसके फ़ोन के कुछ UI में। तो यहाँ आपको एंड्रॉयड 12 वाला जो है पिक्सल वाला कैमरा देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको इस तरह से UI देखने को मिल जाती है। साथ यहाँ पे छोटी मोटी आपको जो है कुछ सेटिंग्स मैं बताने वाला हूँ जिसके ज़रिए आप जो है आपके फ़ोन में और भी अच्छी फ़ोटोज़ को यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं मोर में। तो यहाँ आपको इसी तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है, लेकिन सबसे पहले आपको लेके चलता हूँ मैं इसके अबाउट ऐप में। तो यहाँ आप देख सकते हो ये डेवलपर जो है पैरोट वाले, और पैरोट वाले जितने भी जी कैम होते हैं आपने अगर कोई यूज़ किया है तो आपको पता होगा कि इसमें जो है कितने अच्छी फ़ोटोज़ आपको देखने को मिलती है। और इनका जो एल्गोरिथम होता है फ़ोटो प्रोसेसिंग वगैरह का वो काफ़ी बढ़िया यहाँ पे नेचुरल, और आपको जो है काफ़ी अच्छा जो है कलर कॉम्बिनेशन दे पाते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये आपको देखने को मिल जाता है, और ये जो है 8.4 पे आपको देखने को मिल जाता है। और इसमें आप क्या क्या वर्क करता है और क्या क्या वर्क नहीं करता है और वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसमें आप जो है पोर्ट्रेट मोड वाली फ़ोटोज़ को जो है दोनों साइड में ले सकते हैं, फ्रंट और बैक में काफ़ी अच्छी फ़ोटो आपको देखने को मिलती है, और बूके और HDR इफेक्ट काफ़ी आपको अच्छा देखने को मिल जाता है। साथ ही यहाँ पे नाइट साइड में चलते हैं तो कभी कभार ये वर्क नहीं करता है, किसी फ़ोन में वर्क करता है तो किसी में नहीं करता है। उसके बाद नॉर्मल फ़ोटोज़ तो आप काफ़ी अच्छी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको जो है इसका जो ऑटो बैलेंस है वो आपको ऑन रखना है, ताकि आपके फ़ोन की जो नॉइस है, जो फ़ोटो में नॉइस आती है वो यहाँ पे ना आए। उसके बाद यहाँ पे अगर आप जो है मोशन को ऑन रखते हैं तो आपको उसको ऑफ़ कर देना है, ताकि आपकी फ़ोटो में कोई जो है ब्लर इफेक्ट ना आए जब आप कोई शेकी वगैरह फ़ोटो ना ले सकें। उसके बाद यहाँ पे आपको इसी तरह से रखना है, HDR आपको ऑफ़ कर देना है, वो आपको सेटिंग में जाके यहाँ पे कंट्रोल ले लेना है। उसके बाद वीडियो में चलते हैं तो यहाँ पे नॉर्मल वीडियोज़ आप ले सकते हो, टाइम लैप्स वाली वीडियो यहाँ पे वर्क करती है, स्लो मोशन यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलता है। और उसी के साथ यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें जो है 4K आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे तो 4K यहाँ पे ये कैमरा जो है क्रैश हो जाएगा, तो आप यहाँ पे 4K वाली फ़ोटोज़ नहीं ले सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं जब भी जाऊँगा तो ये अब ये बंद हो जाएगा। तो ये ध्यान रहे यहाँ पे आपको जो है 60 और जो है नॉर्मल फ़ोटोज़ ही लेना है, उसके बाद यहाँ पे मोड्स में और कुछ देखने को नहीं मिलता है। तो आपको ये कैमरे का लिंक जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे दिया है। तो अगर आपके पास रियलमी जी टी नियो 2 है या फिर आपके पास जो भी फ़ोन है आप वहाँ पे जाके इसको ट्राई कर सकते हो। साथ ही यहाँ पे कुछ सेटिंग्स मैं आपको बताना भूल गया, वो है मोर में। और दोस्तों वो सेटिंग्स है आपको मिल जाएंगी मॉडिफिकेशन सेटिंग्स में, जिसमें आप जो है DCI-P3 को यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं, यहाँ पे HDR एनहेंसमेंट फ्रेम्स को भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें यहाँ पे आपको कुछ और एडवांस देखने को मिल जाते हैं, सुपर रेस जूम वगैरह, और उसके अलावा कुछ और यहाँ पे आपको एल्गोरिथम देखने को मिल जाते हैं। और साथ ही यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है आप और भी कुछ कॉम्बिनेशन कर सकते हैं आपके, अगर आप कोई प्रो फोटोग्राफर है तो यहाँ आप जो इसको ज़रूर यूज़ कर सकते हो। तो रियल में जी टी नियो हो या फिर आपके पास और कोई भी फ़ोन हो आप इसको ट्राई कर लेना एंड्रॉयड 12 में। और मैं आपको बता दूँ रियल मी UI 2.0 में ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ये जो है एंड्रॉयड 12 वाला कैमरा है। तो अगर आपके पास कोई और डिवाइस है एंड्रॉयड 12 वाला तो वहाँ पे आप डेफिनेटली इस जी कैम को यूज़ कर सकते हो, और इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो वहाँ से जाके आप चेकआउट कर लेना। और साथ ही अगर आप जो है चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना या डिसलाइक कर देना। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय महाराष्ट्र।